Do subscribe Press Times. कम बोलो सच बोलो। Well, आज हम बात करने वाले हैं टिकट स्कैम की। हाँ सही सुना आपने, टिकट स्कैम। Well, इस स्कैम में होता क्या है कि हमारी सिटीज में जो भी फेमस कॉन्सर्ट होने वाले होते हैं, इवेंट होने वाले होते हैं, कोई भी सोशल गैदरिंग हो गई जहाँ पर एंट्री चार्जेबल है, या फिर जैसे बहुत सारे फेमस मूवी हॉल्स जहाँ पर हमेशा टिकट्स के लिए, या फिर जब भी कोई न्यू मूवी आती है तो वहाँ पर टिकट्स के लिए भीड़ लगी रहती है। तो इसी चीज़ों पर हम लोग चाहते हैं कि हमें इनके पासेस आराम से मिल जाए, हमें कम दाम में ये चीज़ें अवेलेबल हो जाए, या फिर इजीली हमें अवेलेबल हो जाए। कम दाम की प्रेफरेंस भले ही आपकी कम रहेगी, पर आपकी एक प्रेफरेंस रहेगी कि आपको ये चीज़ें कम दाम में अवेलेबल हो जाए। तो इसके लिए हम लोग कभी कभी इन शेडी ब्रोकर्स के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। अब इनमें होता क्या है, ये लोग आपको उस कॉन्सर्ट के, उस इवेंट के, या फिर उस मूवी के, या फिर उस सोशल गैदरिंग के आपको टिकट्स पर टिकट्स या पासेस अवेलेबल कराते हैं। अब उन पासेस से क्या होता है कि वो पासेस एक्चुअल में फेक पासेस होते हैं। फेक पासेस से मेरा मतलब है कि वो वहां पर एंट्री के लिए वैलिड नहीं होते हैं। जब आप उन पासेस को या उन टिकट को लेके उनके एंट्री गेट पर जाएंगे, जब वो बाउंसर उसको चेक करेगा तो वो बोलेगा कि ये फेक है, आपको इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। वो यूजुअल सी बात है कि आप उस आप पासेस खरीद रहे हैं ऐसे लोगों से, तो आप 7-8 पासेस या फिर 10-20 पासेस से ज्यादा ही खरीदेंगे एक साथ, जिस कारण हम उनके स्कैम में फंस जाते हैं और उसके बाद वो लोग भी गायब हो जाते हैं हमें देने के बाद। Do subscribe Press Times. Come bolo, sach bolo.